ना। सर अच्छा लेक्चर रिकॉर्ड रिकॉर्ड, सर लेक्चर रिकॉर्ड कर लें जरा। रिकॉर्डिंग शुरू है जी सर, ओके सर। थर्टीन क्वेश्चन। अच्छा अभी इसमें भी ना नोटबुक निकालते हैं। सवाल है क्या मैम? ठीक है मैम, ठीक अच्छा अभी नेक्स्ट आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13। इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर ओवर एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन, यही है तो सर। सर ये टू बन एक्स स्क्वेयर है, सर टू एक्स स्क्वेयर है, थर्टीन गया टू एक्स स्क्वायर थर्टीन यस सर। थर्टीन। हाँ नीचे ठीक है। एक्स प्लस वन और एक्स प्लस एक्स वन और प्लस एक्स वन एक्स प्लस वन और एक्स माइनस वन आपस में मल्टीप्लाई हो क्या बन जाएंगे हमारे पास मोटरवे ए प्लस ऊपर बी सही। ए माइनस बी। ये कौन लगा हुआ है मोटरवे पे? अच्छा जी ये प्रीत खान अपनी क्लास का है। जी सर, अच्छा ये देखें ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ये हमारे पास बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन, तो उसकी जगह वो लिख दिया मैंने। अब सर दोनों सर सर यस यस सर एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर है। ओ अच्छा, होल स्क्वायर ओके ओके ओके, फिर तो ये काम करने नहीं बन। इंटीग्रेशन एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर यस सर, ओके। हाँ जी बच्चे क्या पूछना है आपने, हैंड रेज की है। अच्छा अभी मेरे ख्याल में लगता है उसका स्पीकर आई थिंक नहीं है, कैमरा ही है, वो कैमरा ही ऑन करती जा रही है। सर आज पहले दिन आए हो शायद। सर हाँ हाँ आज फर्स्ट डे हम। देखते हैं नेक्स्ट। अच्छा इसमें हमारे पास नीचे पावर तो तीन बन जाएगी क्योंकि इनका स्क्वेयर जब करते हैं। आवाज नहीं आ रही सर। अच्छा नेट प्रॉब्लम होगा सर, नेट नहीं है वो माइक नहीं है उनके पास में सर। वो माइक नहीं ऑन किया सर जी, वो कनेक्टेड टू ऑडियो, वो वाला ऑप्शन जो होता है हाँ वही 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 कॉल ओवर इंटरनेट पर, वो टैप करे इसको। चलो देखते हैं क्या करती है। अच्छा अभी नेक्स्ट हमारे पास इसमें आना था टू एक्स स्क्वायर ओवर एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन का होल का स्क्वायर, तो ये बराबर होता है हमारे पास ए ओवर एक्स प्लस वन प्लस बी ओवर एक्स माइनस वन प्लस सी ओवर एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर। अब दो वैल्यू तो हमारे पास हम निकाल सकते हैं एक्स प्लस वन की और एक्स माइनस वन की, तो वो बन जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर, इधर बन जाएगा हमारे पास ए इंटू एक्स माइनस वन का होल का स्क्वायर प्लस बी इंटू, इधर मैं डायरेक्ट लिखने लगा हूँ, इधर बनना है एक्स माइनस वन और एक्स प्लस वन, तो वो बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन, तो
तो इधर हमारे पास बन जाएगा सिंपली x प्लस वन। तो x प्लस वन से जब हम वैल्यू निकालेंगे x प्लस वन इक्वल टू जीरो, इधर से वैल्यू निकलेगी हमारे पास x इक्वल टू माइनस वन। हम माइनस वन हम पता है कि हम माइनस वन इसमें पुट करेंगे तो ये हमारे पास क्या वैल्यू बन जाएगी, या अभी इसको ना दूसरी तरह ही रहने दो इस पोर्शन को, एक मिनट। ये आना था x प्लस वन और x माइनस वन। अब देखें माइनस वन किस किस में पुट करेंगे, माइनस वन इसमें पुट किया ये भी जीरो, माइनस वन इसमें पुट किया ये सारे का सारा पोर्शन जीरो। ए में पुट करेंगे माइनस वन क्या बन जाएगा, माइनस वन माइनस वन माइनस टू, माइनस टू का स्क्वायर प्लस टू और प्लस फोर। तो इधर बन जाएगा हमारे पास फोर ए बराबर, इधर माइनस टू पुट करेंगे तो सॉरी माइनस वन तो वो वन ही बन जाएगा, टू आ जाएगा। तो ए का आंसर इधर से क्या बन गया, वन ओवर टू। फिर जब हम इधर से दूसरी वैल्यू निकालेंगे x माइनस वन इक्वल टू जीरो रखेंगे तो इधर से हमारे पास बन जाएगा x इक्वल टू वन। तो अब देखें इसमें वन रखेंगे, अब ये वाला पोर्शन हमारे पास जीरो बन जाएगा। इसमें वन रखेंगे हम वन माइनस वन ये भी जीरो हो जाएगा, इसमें रखेंगे तो इसमें से कोई ना कोई वैल्यू आएगी हमारे पास। अब इसमें रखते हैं हम वन रखा तो वन प्लस वन टू हो गया, ये बन गया टू सी इक्वल टू, उधर भी जब हम वन पुट करेंगे टू बन जाएगा ओनली, सी बराबर आ जाएगा हमारे पास वन। अब सी की वैल्यू भी आ गई हमारे पास और ए की वैल्यू भी आ गई। अब हमने फाइंड आउट करनी है बी की वैल्यू। बी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे इसमें, अब हम इसको करेंगे सिंप्लीफाई थोड़ा सा ना, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये बनेगा हमारे पास टू एक्स स्क्वायर इक्वल टू, अच्छा भी इसका हमारे पास क्या बनेगा, इसका फार्मूला बनेगा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस टू ए बी। के पास आपके नोट्स नहीं पड़े इस क्वेश्चन के, इस क्वेश्चन का नोट्स नहीं था वो ना, लिखा नहीं था वो, उसमें उसने लिखा है डू योरसेल्फ। अच्छा ठीक, हाँ हाँ, तो कोई नहीं, एक आध क्वेश्चन बल्कि हो जाना चाहिए पूरा ना। तो ए आ गया हमारे पास, इसके साथ बन जाएगा हमारे पास आ जाना था, इसकी जगह क्या बनना था, ये बनना था एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस टू एक्स, इसका क्या बनना है एक्स स्क्वायर माइनस वन, और ये तो वैसे सिंपल है। अब ए को सबके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ये बन जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस ए माइनस टू ए एक्स, अब इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे प्लस बी एक्स स्क्वायर माइनस बी, अब सी को जब मल्टीप्लाई करेंगे ये बन जाएगा सी एक्स प्लस सी। अब देखें हमें वैल्यू किसकी चाहिए, ए की वैल्यू भी हमारे पास मौजूद है, बी की वैल्यू सी की वैल्यू भी मौजूद है, बी की वैल्यू चाहिए। अब बी की वैल्यू डायरेक्ट हमारे पास हम देख सकते हैं कि जब हम इक्वेटिंग द कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर के कोफिशियंट कंपेयर करते हैं तो इधर से एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट क्या आ रहा है टू, और दूसरी तरफ एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट हमारे पास कौन कौन से हैं, दूसरी तरफ से हमारे पास एक्स स्क्वायर के कोफिशियंट है ए एक्स स्क्वायर ये वाला और ये बी एक्स स्क्वायर, इसके कोफिशियंट है बी और इसका है ए, ये बन जाएगा ए प्लस बी। अब ए प्लस बी, ए की वैल्यू हमारे पास मौजूद है वन बाय टू, इसकी जगह हमने वन बाय टू पुट कर दिया, टू टू माइनस वन बाय टू ये प्लस बी था, तो इधर आ गया हमारे पास बी की वैल्यू क्या बन जाएगी, टू टू ज़ार फोर, फोर माइनस वन थ्री बाय टू। अब ये देखें ये हमारे पास बन गया क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्या करना है, ये ए की जगह ये वाली वैल्यू वन बाय टू, ए की जगह हम पुट करेंगे, अब इधर ही कर दूं आगे इसको, इधर ही कर देते हैं क्योंकि ये नीचे वाला रेज कर देंगे, ए की वैल्यू पुट कर देते हैं इधर ही,
अच्छा अभी ए की वैल्यू हमारे पास आ गई वन और नीचे ये टू आ गई इसके साथ, बी की वैल्यू क्या है हमारे पास थ्री बाय टू, ये ऊपर थ्री और नीचे हमारे पास आ गई टू, सी की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, सी की वैल्यू वन आ गई। अब इसकी हमने इंटीग्रेशन लेनी है, बस इंटीग्रेशन जब लेंगे इंटीग्रेशन इसकी भी इंटीग्रेशन और इसकी भी इंटीग्रेशन साथ डी एक्स और डी एक्स एक मिनट मेरे ख्याल में उसने लीव करके दोबारा ज्वाइन की है, वो फिर ना वीडियो कॉल के बैठ जाए। सर आप सेटिंग में आज के लिए कर दें वीडियो ऑफ कर दें सेटिंग्स में जाके प्राइवेसी में। असना आवाज आ रही है? क्या कह रही है? नहीं नहीं पार्शियल फ्रैक्शन तो करने हैं साथ साथ पार्शियल फ्रैक्शन साथ साथ करना है आपने, ये पूरा प्रोसेस करना है आपने, पार्शियल फ्रैक्शन करने के बाद ही आपको पता लगेगा कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने। नेक्स्ट अब हमारे पास इसमें क्या करना है, आपने इनकी इंटीग्रेशन ले लेनी है, इंटीग्रेशन हल करने के बाद हमारे पास रिक्वायर्ड सॉल्यूशन बन जाएगा। ठीक हो गया? ओके सर। व्हाइट बोर्ड 20th पाथ करना है अब। ओके उसमें मेरे ख्याल में वो दूसरी तो नहीं शुरू होगी कॉम्प्लेक्स वाली, एक में हमारे पास थे रूट रिपीट थे, एक में नॉन रिपीट थे। एक्स स्क्वायर प्लस वन आ रहा है अब नीचे। एक्स स्क्वायर प्लस वन हाँ वही हो गया ना, उसमें हमारे पास रिपीटेड भी होते हैं और कॉम्प्लेक्स भी होते हैं हमारे पास, जो इसका रूट बनता ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 14 20th पार्ट 20th 20 क्वेश्चन नंबर 20 हाँ ये हो गया। अच्छा अभी इसका भी लिखवाओ उधर ही ना, या इधर इधर मैं कर देता हूँ थोड़ा सा तो आपको बता देता हूँ इसका ना। वो गेम कौन खेल रहा है? अली लिखवाना क्वेश्चन इंटीग्रेशन 9x minus 7 9x minus 7 over x plus 3 x plus 3 into x square plus 1 x square plus 1। अपना उमर इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसका पार्शियल फ्रैक्शन जो है सही। उमर नहीं पढ़ता अब, उमर नहीं आया, उमर नहीं आया पढ़ता ही नहीं वो, नहीं कल तो था लास्ट लेक्चर में था, बल्कि उसका मैसेज भी मुझे आया था कह रहा था सर छोड़ गया हूं मैं। अच्छा परसों मुझे कह रहा था कि सर मंडे को देखेंगे अब। चलो ठीक है 9x minus 7 अब इसमें हमारे पास क्या बनेगा, a over x plus 3 plus b over आएगा, क्या आएगा bx plus c bx plus c किधर से समझ नहीं आ रही। आप उसको रफ में साइड पे ये जो पार्शियल फ्रैक्शन है ना बेसिकली ये इसका हिस्सा है, पार्शियल फ्रैक्शन उसका सारे का सारा, मतलब ये जितना भी पोर्शन हमने करना है ये सारे का सारा उसका हिस्सा है, ये पार्शियल फ्रैक्शन हमने उसके क्वेश्चन के अंदर ही करना है। एक्स स्क्वायर प्लस वन तो ये क्वेश्चन के अंदर हमने इसको सॉल्व करना है साथ साथ, मतलब यहाँ अगर आप कहते हो अगर हमने नहीं करना इधर तो आप उसको साइड पे कर ले, ये रफ अमल नहीं है, ये क्वेश्चन का हिस्सा है, इसके बगैर हमारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता, तो इसको साइड पे कर ले आप। साइड पे सॉल्व करने के बाद
एट द एंड आप इंटीग्रेशन में पुट कर दें उसको, तो ए की जगह जो ए बी सी का आंसर पुट कर दें, पुट करने के बाद हमारे पास उसको इंटीग्रेशन ले लें, इनकी इंटीग्रेशन चाहिए ना हमें। तो अब इधर हमारे पास बन गया 9x-7 अपना, नाइन एक्स माइनस सेवन ए की वैल्यू हमारे पास आ गई, इधर से बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन। सर आपसे मैं आज ना पीडीएफ शेयर कर दूंगा, उसमें सारे सवाल हुए हैं, फिर उससे ना फिर सारे बच्चों को समझ आ जाएगी। चले सही हो गया। अच्छा अभी ये देखें, ये एलसीएम था, इसे थ्रू आउट सबसे मल्टीप्लाई किया, इधर जब मल्टीप्लाई करेंगे ये कैंसिल आउट हो गया, जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस थ्री कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन रह जाएगा हमारे पास, और प्लस इधर आ गया हमारे पास बी एक्स प्लस सी, और इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा x प्लस थ्री। अब ये देखें, अब हमने x प्लस थ्री की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इधर से जीरो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास माइनस थ्री। अब माइनस थ्री जब इसमें पुट करेंगे तो ये सारे का सारा पोर्शन क्या बन जाएगा, माइनस थ्री प्लस थ्री जीरो, और ये वाला पोर्शन इसमें माइनस थ्री पुट कर लेंगे, माइनस थ्री जब पुट किया माइनस ट्वेंटी सेवन डायरेक्ट ही करना है, माइनस थ्री पुट किया माइनस ट्वेंटी सेवन और माइनस सेवन, तो ये बन जाएगा माइनस थर्टी फोर इक्वल टू। अब इसमें माइनस थ्री पुट करेंगे, माइनस थ्री का स्क्वायर नाइन, नाइन प्लस वन टेन, इधर बन जाएगा टेन ए, ए की वैल्यू इधर से हमारे पास आ गई माइनस थर्टी फोर ओवर टेन, तो इधर से वैल्यू बन जाएगी, ए की वैल्यू बन जाएगी हमारे पास माइनस सेवनटीन ओवर फाइव। अब ए की वैल्यू आ गई, बी और सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, बी और सी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए उसी तरह हमने क्या करना है, इनको सिंप्लीफाई करना है, इनकी एक्सपेंशन करनी है, इनको ना एक्सपेंड करना है, एक्सपेंड करने के लिए मैं कलर देख लेता हूँ। अच्छा भी ये इधर से ये तो हमारे पास ए की वैल्यू आ गई, अब इसको एक्सपेंड करते हैं हम, ये बन जाएगा 9x-7, ये बन गया ए एक्स के प्लस ए प्लस, अब बी एक्स पहले मल्टीप्लाई होगा एक्स के साथ, फिर बी एक्स मल्टीप्लाई होगा थ्री के साथ, फिर सी मल्टीप्लाई होगा एक्स के साथ और सी मल्टीप्लाई होगा थ्री के साथ, ये बन जाएगा हमारे पास बी एक्स स्क्वायर प्लस थ्री बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस थ्री सी। अब देखिए हमारे पास जब हम कंपेयर करते हैं कोफिशियंट, कंपेयरिंग द कोफिशियंट ऑफ इक्वेटिंग द कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो इधर एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट क्या है, इधर एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट क्या है, लेफ्ट साइड जीरो, शाबाश, इधर से जीरो आ गया, इधर आ गया हमारे पास ए और साथ क्या है बी, ए की वैल्यू हमारे पास मौजूद है तो ए की वैल्यू इसमें पुट कर दो, माइनस सेवनटीन ओवर फाइव प्लस बी। अब ये दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगी हमारे पास वैल्यू, बी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास सेवनटीन ओवर फाइव। इसी तरह अब हमने फाइंड आउट करनी है सी की वैल्यू, अब सी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम हमारे पास ए की वैल्यू भी है बी की वैल्यू भी है, सी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम देख लेते हैं। अब सी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए इसमें देखें एक्स वाले, अगर एक्स वाले को कंपेयर कर लें, इधर आ जाएगा थ्री बी एक्स और सी एक्स, जब इनको कंपेयर करते हैं तो इधर से हमारे पास आंसर बन जाएगा अभी 9 में इधर आ रहा है 9 जब क्वेटिंग द कोफिशिएंट, द कोफिशिएंट ऑफ सिंपल एक्स, उसको जब कंपेयर करेंगे तो इधर एक साइड पे आ रहा है 9 और दूसरी तरफ आ रहा है हमारे पास 3b प्लस c। अब देखें
बी की वैल्यू हमारे पास मौजूद है, बी की वैल्यू इसमें पुट की तो वो बन जाएगी थ्री को, बी की वैल्यू हमारे पास बेसिकली इधर क्या आई है, 17/5. अब 17/5 जब इसमें पुट करेंगे, 3 से जब मल्टीप्लाई होगा ये 51/5 बन जाएगा, तो वो दूसरी तरफ आके क्या बन जाएगा, माइनस ये 5. अब 5×9=45 माइनस 51 ये बन जाएगा -6/5. अब ये आ गई हमारे पास सी की वैल्यू भी. यहाँ तक सबको क्लियर है? ये तो सिंपल पार्शियल फ्रैक्शन की है जो फर्स्ट ईयर में हमने पढ़ी है. ये सारे बच्चों से पूछ लिया करें. हाँ हाँ, इसलिए मैं सबसे पूछ रहा हूँ कि यहाँ तक क्लियर हो गया. यस सर. बाकी सब भी ओके हैं? मेरी मैसेज आया है. यस, चलो ठीक हो गया जी. नेक्स्ट हमारे पास है इसमें ये बुशरा खान कौन है? ये कोई लड़का है, ये कोई स्टूडेंट है सर आपकी नजर में? ये वाला नहीं, मेरे पास तो नहीं है मेरे ख्याल में. ये कोई लड़का बनकर बात कर रहा. सफा मुझे मैसेज करके बताना है इधर. ये है क्लास फेलो आपकी? बायो की लड़की है. चलो ठीक है, फिर इसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं. ओके अच्छा, अभी नेक्स्ट यहाँ अब डिलीट कर दूं ये सारे के सारा, क्योंकि हमें ए बी सी की वैल्यू चाहिए तो वो हमारे पास निकल आई है. यस सर. ए बी सी की वैल्यू याद भी रखना, -17/5, बी की वैल्यू थी 17/5 और सी की प्लस वन -6. हाँ अच्छा, अभी ए की वैल्यू थी -17/5, बी की वैल्यू थी 17/5 और सी की वैल्यू 6-6. और तो जब इसको पुट करेंगे इधर बन जाएगा हमारे पास 17 और इधर बन जाएगा -6. बी और सी की जगह वैल्यू ये आ गई और जो 1/5 था वो दोनों के साथ कॉमन लेके वो नीचे ओवर में मल्टीप्लाई हो गया. वो आना था 17/5 -6/5. वो 5 दोनों में कॉमन था, कॉमन लेके हमने नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई कर दिया. अब ये क्वेश्चन बन गया हमारा. अब इसकी हमने लेनी है इंटीग्रेशन. अब इधर से इंटीग्रेशन, इसकी इंटीग्रेशन. अब इसकी इंटीग्रेशन लेने के लिए हमारे पास ऊपर वाली टर्म क्या बनी है, ये तो बन गया -17/5 कॉमन. और इंटीग्रेशन 1/(x+3)dx प्लस, अब इसमें से हमारे पास देखें कोई चीज कॉमन नहीं आ रही. अगर yes, तो कॉमन आती तो हम कॉमन लेते, इसमें 1/5 कॉमन है बस. इंटीग्रेशन 17x-6/(x²+1). अब इसका इंटीग्रेशन तो हमारे पास नीचे वाले फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव मौजूद है. नीचे वाले फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव हमारे पास मौजूद है तो इसकी इंटीग्रेशन क्या आएगी? इसकी इंटीग्रेशन हमारे पास यही बन जाएगी एज इट इज, -5/(log(x+). ये जितने भी क्वेश्चन है सभी में हमने देखना है, जस्ट इसको पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व करना है. रिजॉल्व करने के बाद हमने इसका सोल्यूशन निकालना है. सोल्यूशन आगे जो सिंपल हम फार्मूले अप्लाई करते हैं वही सिंपल फार्मूला अप्लाई करके तो हम फार्मूला उसको एक्सपेंड कर लेते हैं. अब ये देखें x² + 1. अब इसका हमारे पास क्या होता है,
डेरिवेटिव 2x, ऊपर हमारे पास है 17x माइनस 6. अगर हम इसको अलग अलग कर लें, अलग अलग पोर्शन में कन्वर्ट कर लें इसको, प्लस 1 ओवर 5, ये कौन आ, 1 ओवर 5 इंटीग्रेशन 17x ओवर x स्क्वायर प्लस 1 dx. अली इधर से देखना गौर से, 1/5 दूसरे के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, एलसीएम अलग अलग कर दिया, ये दोनों के नीचे लगा दिया, ये इसके नीचे भी, ये इसके नीचे भी. यस सर. माइनस 6 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 डीएक्स. अब इसमें तो 17 कांस्टेंट है, कांस्टेंट करके ये बाहर आ जाएगा, बाहर आ जाएगा. तो इधर ऊपर किसकी कमी होगी फिर, 2 की, 2 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे, डिवाइड भी कर देंगे, नीचे वाले फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव मौजूद होगा, 1 ओवर 10 बन जाएगा. शाबाश. सर जी. जी जी. ये जो आपने आज ना अकेडमी से वालों से पूछ लिया कि कौन कौन से बचे और नहीं है, ये पहले तकरीबन 10-12 बच्चे थे, आप सिर्फ 3 रह गए. बुशरा खान पता नहीं, वो लड़का बनकर बात कर रहा था प्राइवेट. हाँ. वो लड़का, लड़का था कोई, वो ये अभी भी आ रहा है, ये देखो मैंने अभी ज्वाइन किया इसको. हेलो, ये बुशरा खान कौन है? मैंने कहा शायद कोई लड़का ही हो, तो वो अपनी सिस्टर के नंबर से मैंने कर रहा हूँ. आज आप कैडियो वाला से कंफर्म करने की कौन, चले मैं उनसे भी कंफर्म कर लेता हूँ, देख लेते हैं जो लिस्ट होगी ना आपकी, उसी नाम के मुताबिक फिर चल लेंगे, मतलब नेक्स्ट. अच्छा अभी ये हमारे पास बन गया, ये तो आंसर बन गया था माइनस 17 ओवर 5, 7 आ गया था लॉग एक्स प्लस 3, ये एज इट इज आ गया, प्लस ये बन जाएगा 17 ओवर 10 और 7 बन जाएगा लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1. इस स्टेप की समय लगी, 17 जब कॉमन लिया तो 17 और 5 आ गया, ये 10 कैसे बन गया, 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 से डिवाइड भी कर दिया. 2 से क्यों किया, नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव बनाना था ऊपर हमने, तो वो बन गया 17 ओवर 10 लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1. अब इधर हमारे पास ये किसकी इंटीग्रेशन होती है, टेन इनवर्स का डेरिवेटिव. शाबाश. ये हमारे पास 6 ओवर 5, ये टेन इनवर्स का डेरिवेटिव होता है, तो इसकी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी हमारे पास, tan इनवर्स ऑफ x. ये जितने भी क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन में ये मसला करता है बस, जो हमारे पास होता है पार्शियल फ्रैक्शन वो क्वेश्चन को लेंथी बनाता है, बाकी क्वेश्चन में कोई इतना कम्प्लेक्स मतलब नहीं आता. जैसे वो 3.4 और 3.3 में था ना, उसमें थोड़ी सी सब्सटीट्यूशन भी हम करते थे, इसमें तकरीबन तकरीबन वो सिंपल वाले डेरिवेटिव वाले फार्मूले होते हैं, वही फार्मूलाज हमने अप्लाई करने हैं और आंसर निकाल लेने. नेक्स्ट अली कौन सा क्वेश्चन है इसके बाद, 22nd. अच्छा ये उसने थोड़ा सा सॉल्व किया, उसने बल्कि पूरा ही सॉल्व किया हुआ है, ये इधर से देख लेते हैं हम. ये फंक्शन है, एक मिनट स्क्रीन में शो करता हूँ आपको ना, हो रही स्क्रीन शो? यस सर, हो रही है. ठीक हो गया. अच्छा ये क्वेश्चन है, इसमें कहता है एक्स क्यूब और इसको बना सकते हैं हम 2 का क्यूब. ये हमारे पास फार्मूला बन गया एक्स प्लस 2 ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर. अब ए प्लस बी एज इट इज आ गया, ए का स्क्वायर हमारे पास ये बन गया, ए और बी दोनों का प्रोडक्ट, अगर प्लस है तो इधर प्लस होता है इधर माइनस होता है इन दोनों के प्रोडक्ट के साथ, और दूसरा b का स्क्वायर, ये b का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 बन गया. अब इसको चेंज इन पार्शियल फ्रैक्शन कर लिया हमने, जब चेंज इन पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे अब ये हमारे पास वही कम्प्लेक्स वाला आ गया फिर, जो अभी हमने क्वेश्चन किया है ना, उसी तरह हमारे पास वो बन गया पार्शियल फ्रैक्शन. पार्शियल फ्रैक्शन में x प्लस 2 है, x प्लस 2 a के नीचे आ गया, फिर आगे इनके पेयर्स नहीं बनते, इनके पेयर्स नहीं बनते तो हमने क्या लिख लिया, बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 मल्टीप्लाइंग बाय, अब ये पूरे को पूरे मल्टीप्लाई कर दिया, इधर अकेला रह गया 12,
जब इसके साथ मल्टीप्लाई किया इसके साथ ये वाला पोर्शन आ जाएगा और इसके साथ x प्लस टू आ जाएगा, ये वाला आ गया। x प्लस टू से हमने वैल्यू निकाली तो x माइनस टू, x इक्वल टू माइनस टू आ गया। माइनस टू हम इस पोर्शन में पुट करेंगे, जब माइनस टू प्लस टू जीरो, ये सारे का सारा पोर्शन क्या हो जाएगा जीरो, ये रह जाएगा। अब माइनस टू इसमें पुट करेंगे, माइनस टू का स्केयर ये बन गया फोर, माइनस टू पुट करेंगे ये भी बन जाएगा फोर, और ये भी बन गया हमारे पास फोर, फोर प्लस फोर प्लस फोर ट्वेल्व, उधर भी दूसरी तरफ भी क्या है ट्वेल्व, तो एक आंसर इधर से क्या आ जाएगा हमारे पास वन। एक आंसर आ गया हमारे पास वन, ठीक हो गया भाई। नेक्स्ट अब हमने फाइंड आउट करना है बी और सी का, वो क्वेश्चन को हमने एक्सपेंड करेंगे, कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे। अब उसने डायरेक्ट ही किया हुआ है, कोफिशिएंट कैसे कंपेयर किए हुए लाइक पावर एक्स। अब देखिए एक्स की वैल्यू उसने कैसे कैसे इधर से, ये दो ही वैल्यू क्यों लिखी है, बाकी वैल्यू क्यों नहीं लिखी, वो उसने डायरेक्ट इसको सिंप्लीफाई करके ना, ये वाली जो क्वेश्चन है जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे ए एक्स स्क्वायर बन जाएगा माइनस टू ए एक्स, और साथ इसके क्या बन जाएगा फोर, और फिर जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा ये बन जाएगा बी एक्स स्क्वायर प्लस टू बी एक्स सी एक्स और टू सी। इसका मतलब एक तो बनेगा टू बी एक्स, ये लिख दिया उसने ना, और इधर से बनेगा माइनस टू ए, माइनस टू ए प्लस टू बी प्लस सी। इधर हमारे पास एक्स का कोफिशियंट कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब उसका कोफिशियंट जीरो, और दूसरे उसने कोफिशियंट कंपेयर किए हैं एक्स स्क्वायर के। एक्स स्क्वायर दो दफा ही बनता है, किस 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 के साथ ए स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर, जब बी इसके साथ मल्टीप्लाई होगा इधर से बन जाएगा बी एक्स स्क्वायर, ए प्लस बी इक्वल टू जीरो। उसने दोनों क्वेश्चन इक्वेट कर ली, इक्वेट करने के बाद अब उसको सॉल्व करेगा, सॉल्व जिस जिसकी वैल्यू हमारे पास ए की वैल्यू है इसमें, ए की वैल्यू पहले में पुट करेगा, बी की वैल्यू ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगी माइनस वन दूसरी तरफ जाके। जब ये हम दूसरे में पुट करेंगे जो दूसरी क्वेश्चन में नहीं है उसमें ए और बी की वैल्यू पुट कर दो, ए और बी की वैल्यू ये देखें, ए की वैल्यू वन थी बी की वैल्यू माइनस वन, ए की वैल्यू वन पुट की तो ये बन गया माइनस टू, ये लिख दिया उसने माइनस टू, और बी की वैल्यू हमारे पास क्या है माइनस वन, उसकी जगह माइनस टू आ जाएगा, ये भी बन गया माइनस टू, माइनस टू माइनस टू माइनस फोर दूसरी तरफ जाके क्या हो गया प्लस फोर। ए की वैल्यू आ गई वन, बी की वैल्यू आ गई माइनस वन, सी की वैल्यू आ गई फोर। अब इसको हमने सॉल्व करना है, हमने पार्शल इसकी बना ली पार्शल फॉर्म में जो हमने ए बी सी लिखा हुआ था, ए बी सी में कन्वर्ट करने के बाद ए की वैल्यू थी हमारे पास वन, बी की वैल्यू थी इधर ऐसे लिखते हैं ए ओवर ये वाला फंक्शन सारे का सारा प्लस बी ओवर बी एक्स प्लस सी ओवर नीचे यही जो फंक्शन लिखा हुआ है। ए की जगह उसने वन पुट कर दिया, बी की जगह उसने माइनस वन पुट कर दिया, सी की जगह उसने फोर पुट कर दिया। अब ये देखें, अब जब इनकी इंटीग्रेशन अलग अलग अप्लाई करेंगे, इसकी इंटीग्रेशन ये आ गई हमारे पास और इसकी पूरे की इंटीग्रेशन। अब इस फंक्शन का हमारे पास डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, एक्स का डेरिवेटिव वन मौजूद है, इसको हम डायरेक्टली लिख देंगे लॉग में। ये हमारे पास आ गया डायरेक्टली लॉग में, तो ऊपर वाले दूसरे फंक्शन में हमारे पास क्या है, किस चीज का इजाफा है या कमी है, उस फंक्शन में हमारे पास इधर से देखें, ये अब उसने टू से मल्टीप्लाई और टू से डिवाइड क्यों किया इधर, अली यस सर, ये देखो, अब ये देखो इस नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव क्या बनता था सर, टू एक्स माइनस टू, टू ठीक हो गया ना। अब उसने वो डेरिवेटिव कंप्लीट करने के लिए सारा झंझोड़ा इसका करना है, वो डेरिवेटिव उस तरह बनाने के लिए, फिर जो भी आता जाएगा वो एलसीएम लेके उनको आगे पीछे कर लेंगे।
अब इसमें देखें ये हमारे पास है, क्या किया उसने, एक्स स्क्वायर था और ऊपर उसने क्या कर दिया, टू से जब मल्टीप्लाई किया और टू से डिवाइड कर दिया, ऊपर क्या बन गया, टू एक्स माइनस एट। लेकिन हमें तो चाहिए इधर टू एक्स माइनस टू चाहिए, इसकी जगह माइनस टू चाहिए, इसको कैसे लिख सकते हैं हम, एक दफा किधर गया, ये आ गया, ये देखें पेपर में इतना लेंथी क्वेश्चन कोई नहीं आता, पेपर में जो हमने किए हैं ना जिसमें रिपीटिंग नहीं थे, नॉन रिपीटिंग था, जिसमें सिंपल x माइनस वन या x माइनस टू या x माइनस थ्री इस तरह के रूट हो ना, पेपर में वो आने के चांसेस होते हैं, मतलब पहले 10 क्वेश्चन ज्यादातर आता भी उसमें से ही पेपर, ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन बन जाता है, पहले इनकी पार्शियल फ्रैक्शन बहुत लेंथी होती है, सेकेंडली इनका जो फिर आगे इनके रूट्स नहीं बनते या इनका मतलब हमारे पास कंप्लीट स्क्वायर नहीं बनता, तो वो फिर परेशानी क्रिएट करता है। हम नेक्स्ट देखें, हमारे पास इसमें हमने क्या किया, इधर बन गया था 2x माइनस 8, अब इसको लिख सकते हैं 2x माइनस 2 माइनस 6, फिर उनका एलसीएम अलग अलग, एक तो उसका डेरिवेटिव पूरा का पूरा बन गया, उस पूरे को लॉग लिख देंगे, और दूसरे में हमारे पास क्या बन गया, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4। अब ये देखें, ये हमारे पास इसने ये गड़बड़ कर दी इधर से ना, गलत कर गया इधर से क्वेश्चन को, बाकी मैं इंशाल्लाह कल करवा दूंगा ये क्वेश्चन का, इसका ने स्केयर कर दिया, हालांकि ये स्केयर बनता नहीं है।